नमस्कार दोस्तों, मैं संजय गुप्ता। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने हमारे भारत देश का नाम एक बार फिर से रोशन कर दिया है। जी हाँ, वो कोई और नहीं जिसे हम गोल्डन बॉय के नाम से बुलाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नीरज चोपड़ा की। नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लाकर हमारे भारत देश का नाम रोशन कर दिया है और कई सारे युवाओं को उन्होंने मोटिवेट किया है, क्योंकि खेल के प्रतिस्पर्धा में कई सारे खिलाड़ी निरंतर अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं और इन संघर्ष कर रहे खिलाड़ियों को एक मोटिवेशन मिलेगा नीरज चोपड़ा की जर्नी से, नीरज चोपड़ा की लाइफ से। क्योंकि नीरज चोपड़ा भी अगर उन्होंने मेहनत की होगी तभी आज वो अपने काम पे, अपने लक्ष्य पे फोकस कर पाते हैं। दोस्तों लाइफ में वही व्यक्ति आगे बढ़ पाता है जिसने अपने काम पे फोकस किया है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि नीरज चोपड़ा की लाइफ में कभी भी मुश्किलें नहीं आई, कभी उनके जीवन में चुनौतियां नहीं आई। उनके जीवन में भी चुनौतियां आई होंगी, क्योंकि जब वो इंसान अभ्यास करता है कई दफा ऐसा लगता है कि यार मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, लेकिन मेहनत पे मेहनत इंसान करता जाता है और एक दिन ऐसा आता है जब वो इतिहास रच देता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है, कि राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। और जिसने रातों से जंग जीती है, याद रखना सूर्य बनकर वही निकलता है, सूर्य बनकर वही निकलता है। दोस्तों हमें जितना आसान लगता है नीरज चोपड़ा की इस लाइफ को देखते हुए, कई सारे खिलाड़ी ये मान रहे होंगे कि नीरज चोपड़ा की शायद किस्मत होगी ऐसी, लेकिन आप खुद बताइए अगर नीरज चोपड़ा भी अगर किस्मत के भरोसे बैठ जाते हैं कि मेरी किस्मत में होगा तो ही मैं जीतूंगा, तो क्या वो आज वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हमारे भारत देश के लिए लाते हैं? शायद नहीं लाते हैं। दोस्तों जो लोग कहते हैं किस्मत होती है 5-6 प्रकार की उंगलियों पे अंगूठी पहने हुए होते हैं और किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं, वो लोग आलसी होते हैं। उन लोगों का ना तो दृढ़ निश्चय होता है, ना तो कोई एक ऐसा लक्ष्य जिसको अपने जीवन में वो आगे भेद पाए, बस किस्मत के भरोसे बैठे रह जाते हैं। और किस्मत के भरोसे बैठे रहने वालों को उतना ही मिलता है जितना इंतजार करने वाले छोड़ देते हैं। ये बात कही है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। जी हाँ, अगर आप खुद सोचिए, एक छोटा सा लक्ष्य अगर आप अपनी जिंदगी में बनाएंगे और उसको आपने प्राप्त कर लिया, तो वही छोटा सा लक्ष्य आपको अगली दफा आपके बड़े लक्ष्य के लिए एक मददगार साबित होगा, क्योंकि आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। और इंसान तभी जीतता है जब वो लगातार सीखता है। इंसान अगर सीखेगा नहीं तो जीतेगा कैसे? कई दफा ऐसा होता है कि हम मान लेते हैं कि हमें हमारे मेहनत के मुताबिक फल नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आप खुद सोचिए अगर आप अपने आप को मेहनत पे जज करने लगेंगे कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, तो शायद फिर आप थम जाएंगे। लाइफ में कभी थमना नहीं है। लाइफ में कितनी भी चुनौतियां आपके जीवन में आए, लेकिन कभी आप उनसे घबराना मत, क्योंकि चुनौतियों से ही सामना करने वाले लोग इतिहास रचते हैं और ये साबित कर दिया है नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा ने एक बार नहीं बल्कि कई दफा इन्होंने मेहनत की होगी। नीरज चोपड़ा ने एक बार नहीं बल्कि 3 बार हमारे भारत देश के लिए उन्होंने गोल्ड मेडल लाया। आप खुद सोचिए, 4 साल में एक बार ओलंपिक होता है और उस ओलंपिक में जाने के लिए 4 साल मेहनत करनी पड़ती है। यहां तो हम किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, क्रैक करने के लिए 6 महीने, 3 महीने, 1 साल, 2 साल, बस इतने में ही हार मान जाते हैं एक एग्जाम के लिए, एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। आप खुद सोचिए कि आपको कई मौके मिलते हैं साल में एक बार, 2 बार, लेकिन ओलंपिक में जाने के लिए हर दिन मेहनत करनी पड़ती हो, लेकिन 4 साल ओलंपिक का इंतजार करने में किस प्रकार से दिन रात मेहनत करनी पड़ती होगी कि सिर्फ सिलेक्शन हो जाए। उसमें सिलेक्शन के लिए लोग इतनी मेहनत करते हैं, तो सोचिए नीरज चोपड़ा तो वहां पे गोल्ड मेडल वहां से लेके आए, कितनी मेहनत पे मेहनत, मेहनत पे मेहनत, मेहनत पे मेहनत, और वहां कितने देश के खिलाड़ियों से वहां सामना करना पड़ता है, प्रतिस्पर्धाएं करनी पड़ती हैं, उनको किस प्रकार से बीट करना पड़ता है। आप खुद सोचिए कि एक एक देश से कितने पेशेवर खिलाड़ी आते हैं वहां, और उन सभी को हराना अपने आप में एक चैलेंजिंग काम है, एक चैलेंजिंग पार्ट है। हम तो यहाँ अपने देश में लोगों को हरा हरा के टॉप पे पहुंचते हैं, और वहां तो वो लोग आते हैं आपके सामने जिन लोगों ने अपने देश का प्रतिनिधित्व किया है। ऐसे लोगों को भी हरा के गोल्ड मेडल प्राप्त करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। भले ही आप समझ पाए इस बात को या ना समझ पाए, लेकिन इतना निश्चित है कि
नीरज चोपड़ा जैसे अगर कोई मेहनत करेगा तो निश्चित वह अपने लक्ष्य पर कामयाब होगा। हमें भी अपने लक्ष्य पर इतनी ही मेहनत करनी चाहिए जितना कि नीरज चोपड़ा करते हैं। दिन रात हर एक प्रकार निगाहों के सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य, हमें यहां तक पहुंचना है। और जिस व्यक्ति ने यह किया है वो निश्चित तौर पे इतिहास रचा है, चाहे वो एपीजे अब्दुल कलाम साहब, चाहे वह सचिन तेंदुलकर हो, चाहे हम बात करें बिल गेट्स की, चाहे हम बात करें एलन मस्क की। जिन्होंने भी इतिहास रचा है दोस्तों, उन्होंने हद पार मेहनत की है। और यदि आपको लगता है कि आपको भी कामयाब होना है तो आपको भी हद पार मेहनत करनी होगी, अटूट मेहनत करनी पड़ेगी, चुनौतियों से संघर्ष करना पड़ेगा। दोस्तों, नीरज चोपड़ा के लिए एक लाइक, कमेंट और शेयर, दो शब्द जरूर लिखें नीरज चोपड़ा की मेहनत के लिए। और आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं आपका दोस्त संजय गुप्ता सतना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।